वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल। ब्रेड रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने आलू लिए, तो सबसे पहले इनको हम धो के उबालने के लिए रख देते हैं। अब आलूओं को हमने धो लिए और यहाँ मैंने कुकर में पानी लिए। अब आलू को इसमें डाल देंगे और ढक्कन लगा के हम इसको उबालने के लिए रख देंगे। अब कुकर को हमने गैस पर रख दिए, इसमें 2 सीटी आ जाएंगी, उसके बाद हम इसको खोल के आलूओं को छील लेंगे। अब इनको हम मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से। आलूओं को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब इसमें हम, यहाँ मैंने 2 कटे हुए प्याज लिए, इनको मैंने बारीक काट लिए, और हरी मिर्चें ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/4 अनारदाना और 1/4 गरम मसाला। अब इनको हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने सारे मसालों को तैयार कर लिए। अब हम ब्रेड रोल बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने ब्रेड को लिए, इनकी मैंने किनारियाँ काट ली हैं। अब इनको हम बेल लेते हैं। अब हम एक ब्रेड लेंगे, इसको हम हल्के हाथों से ब्रेड को बेलेंगे। अब हमने ब्रेड को बेल लिया, अब इसमें स्टफिंग भरेंगे आलू की। इसमें हम इस तरह से अब इसको हम रोल करेंगे। इस तरह से रोल करेंगे। और यहाँ पे हम पानी लगा देंगे। इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। और इस तरफ भी हम पानी लगा के इसको ऐसे चिपका देंगे। और इस तरफ भी हम पानी लगाकर रोल को चिपका देंगे। अब हम सारे रोल ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हमने ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लिए। अब इसको हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हमारे ब्रेड को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। हमने सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया। तेल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ब्रेड रोल डालेंगे।
अब 1 मिनट के लिए उन्हें पकने देंगे। अब इनको हम पलट लेते हैं। इनको हमने कम गैस पे ही फ्राई करना है। अब इनको भी हम 1 मिनट के लिए पकने देंगे अच्छी तरह से। अब हमारे जो ब्रेड हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब हम सारे ब्रेड को ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। अब हमारे ब्रेड रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।